हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पोकेमोन असेंबल। सो वीडियो के थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि ये इस वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और ये बिल्कुल ही फ्री है। सो दोस्तों, अभी सभी पोके फैंस की दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि ऐश का छठा पोकेमोन कौन सा होगा। सो इसका प्रूफ हमें खुद निंटेंडो ने दे दिया है, मतलब पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के कंपनी ने इसका हिंट हमें पहले से ही दे दिया है, और वो है कि ऐश का छठा पोकेमोन होगा मार्पेको। जी हाँ, मार्पेको होगा ऐश का छठा पोकेमोन, सिक्स्थ पोकेमोन। क्योंकि मार्पेको को हमें बहुत सारे एपिसोड्स में दिखाया गया है। कि मार्पेको आ रहा है, वो एक इलेक्ट्रिक टाइप और डार्क टाइप पोकेमोन है, और ये बहुत ही फुर्तीला पोकेमोन है। और अगर ये ऐश के पास आए तो ये तो इवॉल्व हो ही जाएगा, और फिर वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और इसका प्रूफ है, ये है पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड का मर्चेंडाइज। यहाँ पर दिख रहा है मार्पेको और उसका एक गुस्सेल फॉर्म, एंग्री फॉर्म। सो अब बढ़ते हैं मियाउथ के जायगंड मैक्स की तरफ। तो टीम रॉकेट का मियाउथ जल्द ही एक जायगंड मैक्स होने वाला है। ये भी निंटेंडो ने हमें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिया है। सो अगर मियाउथ जायगंड मैक्स हो गया, सो टीम रॉकेट और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और इसका भी प्रूफ ये है, इस पोस्टर में आप देख ही सकते हैं मियाउथ का जायगंड मैक्स हमें दिख रहा है। सो इससे प्रूफ होता है कि मियाउथ जल्द ही जायगंड मैक्स में होने वाला है। सो ब्रॉक की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। अगर आपने ये पहले से ही कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है सो जल्दी से कर लीजिए। सो यार, ब्रॉक है एक जिम लीडर कम ब्रीडर कम टर्की इंसान, और ब्रॉक को हमें सीजन 1 से 13 तक दिखा था, तो इसलिए ब्रॉक सीजन 23 में भी रिटर्न आ रहा है। वो वैसे तो वो अलोला रीजन में भी रिटर्न आया था, और इस बार भी वो रिटर्न आ रहा है। जैसा कि हमें पता है कि एस और गो सीजन 23 के एपिसोड 38 में जा रहे हैं प्यूटर सिटी में। सो अगर एस प्यूटर सिटी में जाएगा और वो ब्रॉक से नहीं मिलेगा, ये कैसा बात हुआ। एस तो ब्रॉक से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उनका तो बहुत पुराना याराना है। सो एस जब भी प्यूटर सिटी जाएगा वो ब्रॉक से मिलेगा, और तभी उन दोनों का होगा, वो जो है बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स फॉर एवर, वही होगा। सो मेरे ख्याल से तो ब्रॉक ज़रूर रिटर्न आएगा 100% गारंटी के साथ। सो अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया है तो आज का एक सरप्राइज क्विज है, पोके क्विज, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। सो इस पोकेमोन का नाम जल्दी से सोचिए, ये कौन सा पोकेमोन है, और कमेंट्स में लिख डालिए। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आपको एंड स्क्रीन में मेरे प्रीवियस वीडियोस दिख रहे होंगे, तो उनमें से आप कोई भी एक देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।